थक गए दीदी, चढ़ गया। कोई दवाई भी नहीं रख गया, विटामिन डी की है था, कैल्शियम विटामिन डी। कौन रख गया, रख दो जिसकी उंगली ले लेगा। तो हम आए हैं इलाहाबाद में झूसी का किला देखने, और चढ़ाई, हाँ और चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। देखो इधर से आए चढ़ गए, और दीदी और को चढ़ गया सांस, और हमें भी बहुत ऊपर जाना है। चलो वरना तो फिर सब खा आओ, जल्दी आओ। चलो दक्षिण इधर है, हाँ रही थी, हाँ वो सुबह किताब पढ़ना, साहब ने किताब दी थी, मैंने पढ़ के नहीं सुनाया था आपको सुबह। यही है समुद्र कूप, ये मान्यता है कि ये कुआं समुद्र से जुड़ा हुआ है, इसका पानी कभी नहीं सूखता। तो आप देख सकते हैं अभी भी इसमें पानी दिखाई दे रहा है, और काफ़ी ऊंचाई पे है ये, फिर भी इसमें पानी है। तो बस यही मानना थे है इसकी, किला विला तो ऐसा ही है, लेकिन हाँ ये देखने लायक चीज़ थी यहाँ पे, यही हमने देखी। केवल केवल हवाई सोनी, बाकी कुछ नहीं। मेरे प्रभु राम जय जय। दीदी रुक जाइए, मैं वीडियो बनाऊंगी तुम्हारी। हां मैं आ रही, बना लो। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। आ जाओ आ जाओ। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अच्छा ये तो है बालाजी महाराज, ये मुखौटा तो आया नहीं होगा। आगे है झूसी का किला देख के, समुद्र कूप देख के अच्छा लगा, काफी गहरा कुआ है। दीदी हमसे आगे आके खड़ी होगी है। वैसे थक रही है, घबराहट हो रही है, लेकिन हम सामने आके खड़ी होगी। आओ आओ दीदी, आओ पीछे से आओ, ये आ जाओ एक बार, अरे पीछे चढ़ा दो बेचारी को, नीचे ही हो लेते ना। आओ ये अच्छी जगह है, आप ये आ जाओ, बस दिख रहे ना, अंधेरा हो गया गया। सुंदर फोटो खींचे, बस फोटो खींचो, फोटो खींच के भेज दूंगी अभी, आ जाओ। जय सिया राम, जय सिया राम, सारे हनुमान जी तुम्हारे साथ साथ होली है। ये देखो कितना बड़ा माघ मेला भरा हुआ है। और आज हमारा वापसी का दिन है, और ये अभी अभी ऑफिस से आए हैं, क्योंकि ये भी हमारे साथ निकलेंगे, बस अब चेंज ही करने वाले थे, तो दीदी ने कहा नहीं एक फ़ोटो करा लो हमारे साथ बैठ के। तो पायल हंस रही थी कि डैडी को ऐसे ही बिठा लिया है, अब चेंज करेंगे। और एक रूम ये इधर बना हुआ है, इधर थोड़ा सा खाने का सेटअप कर रखा है, और तीन रूम सेट है इनको ये मिला हुआ है। और मैं बना रही हूँ सबके लिए कॉफ़ी, कॉफ़ी बन रही है, कॉफ़ी सबके लिए। और एक रूम ये इधर है, इसमें हमारे सबके बैग पैक करके हमने रख दिए हैं जाने के लिए। और ये आप रात को देखिए तंबुओं का शहर,
एक तरह से कितना सुंदर लग रहा है। लाइटिंग इतनी गजब की हो रखी थी, हम पुल से जब आ रहे थे ना तो पुल के दोनों तरफ गंगा का किनारा है, दोनों तरफ इतनी खूबसूरती से बसाया गया है ये, आप कोई नहीं कह सकता कि ये तंबुओं से बसाया गया। दिन में भी आप देखें तो कलरफुल तंबू, और रात में तो इसकी लाइटें इतनी गजब ढारी थी ना, बहुत खूबसूरत है, इतनी सफाई है, बहुत ही ज़्यादा। एक बार आप ज़रूर जाइए। हमारा सफ़र तो बहुत अच्छा रहा, मतलब बहुत इंजॉय किया हमने, और मैं आपको काफ़ी मतलब गैप गैप में वीडियो दिखाई हूँ, क्योंकि ना वहाँ पे तो नेट चल नहीं रहा था, यहीं आने के बाद सारी वीडियो एडिट करी तभी डाल ली है, लेकिन मैंने सोचा जो मैं देख के आई हूँ तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। राधे राधे।